गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो जल्दी से लाइव आ जाओ, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम लोग आपस में। तो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के सेशन में, आज के कौन सा एग्ज़ाम पूछ लिखने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा। तो आ जाओ जल्दी से, देखते हैं। तो आ जाओ गाइस, हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम लोग आपस में। कैसा जा रहा है आपका एग्ज़ाम? जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, उम्मीद करता हूँ वो लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, और जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ लाइव, देखते हैं क्या क्या है। चलिए, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और कुछ ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, इसके पीछे का फंडा क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। क्या काम करें इसमें, क्या पढ़ाएँ, तो चलिए फटाफट आ जाओ। तो आज के, जैसे कि ये एक पीडीएफ है, आज के क्वेश्चन था एक फर्स्ट सेशन में आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बाइल जूस इज सेक्रेटेड, कहाँ पर ये बाइल जूस रहता है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ, तो वहाँ पर एक्चुअली उल्टा था कि गॉल ब्लैडर जो होता है, ये जो गॉल ब्लैडर में कौन सा जूस होता है, तो आपको बताना था वहाँ पर बाइल जूस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट सेशन था उसी सेशन में से पूछा हुआ था। तो ये आज का ही सेशन का क्वेश्चन था, पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए। हाय हाय नसीम, कैसे हो बताओ, कब है एग्ज़ाम आपका, कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कैसा चल रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था ये आपके सामने में था कि ये जो बाइल जूस है, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब आप सोचोगे ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में पूछा था एज इट इज़ क्वेश्चन, आपका कल भी था और परसों भी था, क्वेश्चन नंबर 4। लेमन जो होता है ये, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, या ये क्या बोलता है, खट्टा होता है, किस क्यों होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर क्यों होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने था, तो इसका भी आंसर आ जाएगा कौन सा, तो सिट्रिक एसिड। चलो, अब बेसिकली कहने वाली बात ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि ये है आज ही का क्वेश्चन है, आज ही का पूछा हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। थैंक यू नसीम, अगर आपका इतना हेल्प हुआ तो, हम लोग हेल्प के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन आ कहाँ से आ रहे हैं, जब मैंने एनालाइज़ किया कि यार ये सब तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमने फिर उस पीडीएफ को, ये पीडीएफ मैंने अपने बच्चों को भी दिया था जो हम लोगों से पढ़ा था, मैंने उनको भी दिया था। तो ये जैसे आज का क्वेश्चन था, आज के क्वेश्चन क्या था कि प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाई, ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन ये पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में। तो ये वो पीडीएफ है जहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ से फंस रहे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन था कि विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन, ठीक है, विच एंजाइम। हाय शुभम, हाय नसीम, बताओ कैसा चल रहा है, कब है एग्ज़ाम, तो ये यहाँ से क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था, वाटर क्या बोलता है, वेयर इज़ बाइल जूस स्टोर्ड, ये भी आज ही का क्वेश्चन था, ये भी आज का क्वेश्चन है। तो ये संजीव कुमार बोल रहा है, हाय हाय संजीव, बताओ कैसा जा रहा है एग्ज़ाम, तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, जैसे कि आज ही का क्वेश्चन था ये, वेयर इज़ बाइल स्टोर्ड, कहाँ पर, तो गॉल ब्लैडर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया चल रहा है सर,
तो और ये भी था, ये भी देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आज का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर देखो ये आपको याद है कि फर्स्ट सेशन में संजीव 27, जैसे कि फर्स्ट सेशन में पहला वाला दिन 22 तारीख को देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ECG इज़ यूज्ड कहाँ पर, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो देखो हार्ट से रिलेटेड एक ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए टारगेट बैंकिंग बोला हाय टारगेट बैंकिंग, चलो ये भी है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग इंडोक्राइन में आते हैं, तो कौन सा है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ से देखो ब्लड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ब्लड के पीएच के बारे में क्वेश्चन था, और क्या था और देखते हैं यूनिवर्सल डोनर था, ये कल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूनिवर्सल डोनर के ग्रुप के बारे में कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो आपको बता देना है, ठीक है, एग्जाम कब है टारगेट। चलो और क्या है, और देखो कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल डोनर हुआ, और यहाँ पर हु इज डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, हु इज डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा डोनर है, ये भी पूछा हुआ है कि विटामिन डेट हेल्प ब्लड क्लोटिंग, ये भी कल का क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं या पूछे गए हैं, ठीक है, या तो वापस घूम घूम के आ रहे हैं ये क्वेश्चन, या फिर आपको क्या है कि कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको लेते कैसे हो, अगर आप इस देखो आप सब इंजीनियर हो, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आप सब इंजीनियर हो, तो इस इंजीनियर हो इसका मतलब होता है आप इतना तो है कि आप स्मार्ट हो, ठीक है, इंजीनियर तो वो लोग होते हैं ना कि सेमेस्टर एग्ज़ाम दो दिन बचा है तब हम लोग पढ़ाई करने के लिए भिड़ते हैं, तब हमें पता होता है कि हमारा इंजीनियर, बेसिकली एक डॉक्टर से पूछा कि ये 500 पेज का बुक है कितने दिन में ख़त्म कर दोगे, तो डॉक्टर बोला कि संजीव सर PDF भेज दो, हाँ PDF के बारे में बता रहा हूँ संजीव, सब कुछ बताऊँगा, तो क्या बोला एक डॉक्टर से पूछा कि 500 का पेज है कितना दिन में ख़त्म कर दोगे, तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं 2 महीना लगेंगे 500 पेज है ख़त्म कर देंगे याद करके, तो एक वकील से पूछा कितना दिन में ख़त्म कर दोगे, तो बोला कि 1.5 महीना लग जाएगा, देखो पढ़ना पड़ता है सुबह शाम, तो एक इंजीनियर से पूछा कि कितना दिन में ख़त्म कर दोगे, तो इंजीनियर बोलता है कि बताओ एग्ज़ाम कब है, तो इतना स्मार्ट होते हैं इंजीनियर लोग, तो स्मार्ट मूव करना है ना, तो स्मार्ट मूव करना है तो दिमाग लगाना होता है कि एक्चुअली ये एग्ज़ाम बन कहाँ से रहे हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, हाय AK कैसे हो, तो एग्ज़ाम क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वो है कि जो किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन ये सारे पूछे हुए हैं, और वो सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे हुए, अगर वो सारे और बेसिकली ज़्यादातर वो पूछे हुए एग्जामिनेशन पूछ रहे हैं रेलवे वाला, जिसके अंदर या तो CGL का है या SSC का है, आप ठीक है, या तो CGL का है या SSC का है, तो आप क्यों ना कि उन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक जगह का गेट टुगेदर करो और उसके बाद मतलब 2-4 बार रीड कर लो, तो आप अच्छे से आराम से आप देख सकते हो कि PDF से कितना 90 से 95% बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ रहा है इस PDF से, और जिन लोगों ने परचेस किया है, जिन लोगों ने लिया है, वो तो खैर उनको तो पता है, या फिर वो लोग जो एक बार इसको ट्राई, कल तक तो फ्री था, जिन्होंने कल लिया उनको फ्री मिला, बट आज सर ये PDF हिंदी में भी दो, हिंदी में भी है अजय कुमार, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब में है ये PDF, आप वहाँ पर जाओ देखो सब में है, तो ये क्या है कि ये क्या है? अब कुछ लोग बोलेगा कि कुछ लोग ये बोलेगा कि सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आप तो झूठ बोल रहे हो, अपना बेचने के चक्कर में हो, या अपना वाहवाही के चक्कर में हो, या फिर अपना प्रमोशन के चक्कर में हो, अपना YouTube प्रमोशन के चक्कर में हो, आप इसलिए झूठ बोल रहे हो, तो देखो ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिन लोगों ने परचेस किया उससे ही पूछ सकते हो, या फिर एक काम ये करो कि जैसे ऑल इन वन बोल रहे हैं कि फ्री में दे दो, देखो इसके पीछे ना जैसे कि आप क्या है मतलब आपका तो क्या करोगे, 10 रुपये दोगे आप आसानी से परचेस कर सकते हो, काश हमें भी कोई ऐसा 10 रुपये में दे देता ना तो हम बिल्कुल फ्री में दे देते, इसके पीछे हम लोगों की मेहनत, पूरी टीम की मेहनत है, जब हम लोगों ने देखा एनालाइज किया तो इस सबको एक जगह जमा करने में, टाइपिंग करने में, कलेक्शन करने में, उसके बाद फिर से पब्लिश करने में, सोचो कितना टाइम लगा होगा, कितना उमंग स्टडी वाले मेहनत किए होंगे, तो थोड़ा सा मेहनत का वो कर दो ना यार, थोड़ा सा ही तो बात है, तो 10-15 रुपये में कुछ हो नहीं जाएगा, हाँ आप लोगों की मदद से उन लोग बेचारे मिठाई तो खा सकेंगे ना कम से कम, अगर आप दिल से दोगे तो, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जहाँ से मिले कर सकते हो। तो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायो को, स्पेशली साइंस के सारे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं,
ग्रुप डी कर रहा हूँ, तो ग्रुप डी के NTPC और ग्रुप डी के लिए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। फिर भी इसमें तो JEE के लिए थोड़ा सा 10-5% इधर उधर जा रहा है, लेकिन NTPC के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये लिख के ले लो, साइंस अगर करना है NTPC और ग्रुप डी में 100% में दावे के साथ कह रहा हूँ इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो और मुझे बताना फिर कि सर इसके बाहर चला गया, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि इस ये जो PDF है, जैसे क्वेश्चन अभी देखते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा था, पहले दिन पूछा था, यही क्वेश्चन है देखो इसी PDF से है, और क्या लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में पूछा था, ये भी क्वेश्चन इसी है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो भी है 44 नंबर है, देखो ये भी इसी से है, तो आप मैच कर सकते हो इसमें। सर हिंदी के लिए लिंक, हाँ हिंदी के लिए भी लिंक रहेगा, हिंदी के लिए भी लिंक रहेगा, संजय सर ने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, तो ये क्या था, लिंक प्रोवाइड कर दो उमंग स्टडी वाले, तो लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा, सारा लिंक पर प्रोवाइड रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है कि क्विज सेल प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये डेंगू इज स्प्रेड बाय, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है डिजीज से, और क्या है, और देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 21, ये तो आज ही आया है यार, ये तो आज ही आया है, ठीक है। और क्या ये देखो 32 वाला क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आज का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्या ये विच इज कम्युनिकेबल डिजीज़, ये भी देखो 37, ये भी पूछा हुआ है। चलो और ये पेनिसिलिन, ये सारी क्वेश्चन देखो, अब देखो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, मैं ये सारे क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये फर्जीगिरी कर रहा है, ये ना लगे फर्जीगिरी कर रहा है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ है कि नहीं, ये हमें भी नहीं पता था, सही बताऊँ दोस्तों, ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे ही, अगर ऐसा पता होता हम पहले से क्यों नहीं बताते, या फिर जिन लोगों ने हमसे पढ़ाई की हमने बस उसे दे दिया, हमने ये भी नहीं कहा कि इसी से आएगा कितना परसेंट, हमने ये कहा था कि ये प्रैक्टिस के लिए रख लो, जिन्होंने क्लास किया था मैंने अपने सारे स्टूडेंट को दिया था कि लो इसको इससे प्रैक्टिस कर लेना, इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता यार इससे तो 90 से 95% एज इट इज इसी से आ रहा है। तो जब इसी से आ रहा है तब हमें पता चला कि नहीं ये तो बहुत बड़ा काम का है, तब लोगों को बताया जाए, तब आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो देखो ये वाला ग्रीन कलर फायर, ये वाला देखो फर्स्ट दिन क्वेश्चन पूछा होता कि पटाखे के अंदर जो ग्रीन कलर का होता है किसकी वजह से होता है, आप सबको पता है बेरियम की वजह से होता है। तो देखो ये सारी क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, देखो हैवी वाटर, देखो कल ही क्वेश्चन पूछा 31 नंबर का, 32 नंबर का भी कल पूछा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि नहीं यार ये लोग जो है ना झूठ तो नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट बाकी आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये सारे क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, देखो ये भी आया हुआ है, ये भी 60 नंबर 60 61 62, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये भी आया हुआ पहला दिन ही, व्हाट इज़ द बेकिंग सोडा, ये भी आया हुआ पहला दिन ही। चलो और आगे बढ़ो, और आगे अगर बढ़ते हो तो देखो ये क्या क्वेश्चन है कि द किंग ऑफ मेटल, ये भी पहला दिन आया हुआ था, किंग ऑफ मेटल किसको बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, और ये क्या है, विच एमोंग द फॉलोइंग क्या है, ये वाइट फास्फोरस का, देखो ये भी पहला दिन क्वेश्चन आया हुआ था केमिस्ट्री से, है ना। और ये वाला कौन सा हैवी वाटर, ये भी कल ही क्वेश्चन है, ये वाला फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी कल का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, कुछ तो बोलो यार, अगर आप लोग ऑनलाइन है तो बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा क्या फंडा चल रहा है। ये देखो एड्स, ये एसिड टर्न, ये सारे क्या है, ये भी देखो एसिड किधर एसिड टर्न हो रहा है, किसमें आपका ब्लू से रेड में हो रहा है, तो ये भी देखो कल का क्वेश्चन आया हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे देखो एक्वारिजिया के बारे में, ये भी फर्स्ट दिन क्वेश्चन आया हुआ था, एक्वारिजिया के बारे में परसेंटेज पूछा था, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का और HCl का कितना कितना परसेंटेज होता है। और ये देखो 70 का सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब कितना सारे प्रूफ लोगे बता दो भैया, जान लोगे क्या। देखो वाशिंग सोडा भी आया हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 91 अगर देखो ये भी आया हुआ है, 89 भी आया हुआ है देखो, और इसका भी देखो ह्यूमन ब्लड 87 का भी आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो जो सर्किल किया वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ कि मतलब
क्या चल रहा है आपके दिल में, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, सर कुछ तो बता दो। अब देखे देखना है कि हमें पढ़ना क्या। देखो ये मेरा चैट, ये कल शाम का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, और मैंने आज का तो बता ही दिया था। ये देखो अमलगम, ये भी आया हुआ, आज ही का एक क्वेश्चन है ये। और चलते हैं तो देखो, तो मटेरियल यूज, इलेक्ट्रिक हीटर, ये कल का क्वेश्चन था, कल या परसों का क्वेश्चन था। फ्यूज़ वायर, ये कल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है सर? हिस्ट्री, कंप्यूटर, पॉलिटिकल, वो बाद में करेंगे अजय कुमार, वो उसके लिए भी कर रहे हैं हम लोग, उस पर भी काम कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। अभी जो चल रहा है एग्ज़ाम, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करा रहे हैं। तो ये सारी वो है कि जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और जो पीडीएफ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब और फिजिक्स के मैंने आज सुबह ही बताया था कि फिजिक्स की भी अपलोड हो गया है, और फिजिक्स का तो और भी अच्छा है, वो 100% उससे ही रहेगा, और एनटीपीसी में तो खैर उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, इतना तो हम लिख के दे सकते हैं। तो ये इतने अच्छे हैं, ये पीडीएफ है। हाँ ये है कि थोड़ा सा इसमें आपको परचेस करने के लिए लगेगा, 10-15 रुपये लगेगा, वो अगर चाहते हो तो आप परचेस कर लेना, और नहीं चाहते तो कोई नहीं। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है और आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी है, तब नो डाउट कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपको लगता है कि एक बार देखकर जाना चाहिए एग्ज़ाम में जहाँ से आपके बनते हैं, तो एक बार आप देखकर जा सकते हो, 100% फ़ायदा होगा, ये तो गारंटी है। और अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आज, कोई बताओ और कुछ जहन में चल रहा हो अगर आप लोगों का। चलो ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे ही क्वेश्चन। अब देखो पढ़ना क्या है, अब तो देखो क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, तो क्वेश्चन बेसिकली जहाँ से ज़्यादा बन रहा है हमें वो देखना है। क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्वेश्चन कर लेना है जितना भी क्वेश्चन है इसी पीडीएफ में से, पहला। दूसरा क्वेश्चन इंडोक्राइन सिस्टम से आ रहा है, ये भी देख लेना। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम से आ रहा है, हार्ट और ब्लड से। चौथा आपका ये ग्लैंड वाले चैप्टर से आ रहा है, ग्लैंड वाले चैप्टर से। पाँचवा आपका एनिमल वाले के एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये 5-6, और आपका आज तो ये भी आया था, इन्वायरमेंटल से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो 5-6-7 चैप्टर है यहाँ के, अब थ्योरी नहीं पढ़ना। अब थ्योरी क्या है, थ्योरी आप पढ़ भी नहीं पाओगे, एक रात में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बट ये है कि आप 150-150-200 क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि मतलब देख कर जा सकते हो, और देख कर जाओगे तो फ़ायदा होगा ही, ये तो गारंटी है इसकी। और नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला इसमें, तो इतना तो समझ लेना कि नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर देख कर जाओगे तो आपके इसमें फ़ायदा होगा, और अगर नहीं जाओगे तो क्या करोगे, फिर जैसा होगा तो करना। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं, और पीडीएफ आपके लिंक में, इस सारी पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो बस, और कुछ है तो बताओ। तो बस आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं गाइस। चलो।